गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 9 वाटर अ सॉल्वेंट यूनिवर्स सॉल्वेंट. ओके सो आज हम चैप्टर 9 वाटर को ही कंटिन्यू करेंगे. लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 143 एंड 144 रीड किया था. आज हम 145 पेज नंबर इनसॉल्युबल सब्सटेंस रीड करेंगे. सो इनसॉल्युबल सब्सटेंस मीन्स होता है, इनसॉल्युबल मीन्स होता है जो वो सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व मीन्स जो डिजॉल्व नहीं होते. ठीक है, वो सब्सटेंस जो घुलते नहीं हैं उन सब्सटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे. सो टेक सम सब्सटेंस एंड डिजॉल्व इन वाटर. ठीक है, कुछ सब्सटेंस लेना है उनको वाटर में डिजॉल्व करना है. नेल्स, सॉडस्ट, पीसेस ऑफ वुड एंड सैंड टू नॉट डिजॉल्व इन वाटर. सो क्या बोले, जो नेल्स जो नाखून होते हैं, सॉडस्ट मीन्स जो लकड़ी का बुरादा होता है, एंड वुड लकड़ी के कुछ पीसेस, एंड सैंड मीन्स रेत, ये क्या होते हैं वाटर में डिजॉल्व मीन्स घुलते नहीं हैं. एंड ग्लास, क्ले, मिट्टी, ग्लास कांच, वैक्स मोम एंड कोकोनट ऑयल. ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, ऑल्सो डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर. और ये सभी चीज़ें भी क्या होती है, वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है. कंडीशन विच हेल्प इन डिजॉल्विंग अ सॉलिड क्विकली इन वाटर. कुछ कंडीशंस दिए गए हैं जिससे क्या होता है, जो सॉलिड होते हैं वो वाटर में बहुत जल्दी ही क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं. तो फर्स्ट इज हीटिंग. ठीक है, हीटिंग मीन्स गर्म करने से. सो एक्टिविटी 3 में आप लोगों को क्या बता रहे हैं कि आपको एक इक्वल क्वांटिटीज में दो फ्लास्क में क्या लेना है, दो फ्लास्क में आपको इक्वल क्वांटिटी में क्या लेना है, वाटर लेना है. देन फर्स्ट वाले में आपको क्या करना है, कॉमन सॉल्ट डालना है. एंड सेकंड वाले में आपको क्या करना है, शुगर डालना है. एंड दोनों फ्लास्क में ये डालने के बाद आपको स्टिर करना है, मीन्स घुलाना है. ठीक है, स्टिर करना है, घोलना है. देन ये आपको क्या करना है, हम लोगों को बार बार थोड़े थोड़े टाइम में क्या करना होगा, शुगर एंड सॉल्ट डालते रहना होगा. ठीक है, फिर रिपीट करते रहना होगा, एडिंग शुगर एंड सॉल्ट क्या करना है, दोनों जो फ्लास्क है उसमें डालते होना होगा. देन क्या होगा, एट लास्ट क्या होगा, कुछ शुगर और कुछ सॉल्ट के जो कुछ होंगे वो क्या होंगे, लास्ट में डिजॉल्व नहीं होंगे, वो बच जाएंगे. देन क्या होगा, ये क्या हो जाते हैं, इनसॉल्युबल इन द रिस्पेक्टिव फ्लास्क. ठीक है, तो क्या होता है, कुछ जो फ्लास्क में क्या होते हैं, सॉल्ट एंड जो शुगर के जो जो होते हैं सब जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, रह जाती हैं, वो डिजॉल्व नहीं होती. तो इसके लिए क्या करना, अब नाउ हीट बोथ द फ्लास्क. अब दोनों फ्लास्क को क्या करो, अब गर्म करो. आफ्टर हीटिंग द वाटर इन बोथ द फ्लास्क, जब आप दोनों फ्लास्क को गर्म करने के बाद देखेंगे तो द इनसॉल्युबल सॉलिड डिजॉल्व इन वाटर, तब वो जो घुला नहीं होगा, जो सॉलिड जो सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल मतलब जो घुला नहीं होगा सॉलिड, वो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में. एंड नथिंग रिमेन्स अनडिजॉल्व, और बिल्कुल भी कुछ बचा नहीं रहेगा. सो वो हीटिंग, सो इस कंडीशन में हीटिंग से क्या होता है, दिस प्रूव दैट ऑन हीटिंग सॉलिड सब्सटेंस डिजॉल्व क्विकली. सो इससे क्या प्रूव होता है कि हीट मतलब गर्म करने से जो सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, जो सॉलिड जो सब्सटेंस चीज़ें होती हैं क्या होती है, वो बहुत जल्दी ही क्या हो जाती है, क्विकली मीन्स जल्दी डिजॉल्व हो जाती है. ठीक है, वाटर में. सो फर्स्ट हमारा कंडीशन क्या था, हीटिंग. अगर हमको कोई भी सब्सटेंस अगर हमको जल्दी वो डिजॉल्व करना है तो क्या होता है, हीटिंग बेस्ट मेथड होता है कि वो जल्दी भी कोई भी सब्सटेंस को क्या करता है, वो डिजॉल्व कर देता है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या पाउडर फॉर्म में हो. तो सॉलिड फॉर्म में जो चीज़ें होती सब्सटेंस होती उनको जल्दी क्या होता है, वो डिजॉल्व कर देता है. देन नेक्स्ट है सॉलिड इन पाउडर फॉर्म. वो जो सॉलिड जो पाउडर फॉर्म में होते हैं उनके बारे में, ठीक है, कोई सो एक्टिविटी 4 इसमें क्या बोल रहे हैं, टेक इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वाटर इनटू 2 ग्लास टम्बलर्स. आपको दो टम्बलर में, ठीक है, दो ग्लास में आपको इक्वल क्वांटिटी में वाटर लेना है, जैसे कि ये इमेज में दिया हुआ है. सो आप लोगों को दो ग्लास लेना है एंड उसमें इक्वल क्वांटिटी में वाटर लेना है. देन फर्स्ट वाले टम्बलर में शुगर क्यूब डालना है. ओके, मतलब जो शुगर के जो दाने होते हैं, बड़े बड़े जो दाने होते हैं, लाइक मिश्री ले लो आप, ठीक है, तो उसमें बड़े बड़े क्या होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बड़े बड़े क्या होते हैं, उसके पीसेस होते हैं. ठीक है, तो आप फर्स्ट ग्लास में क्या करेंगे, शुगर के सॉलिड वाला डालेंगे. ठीक है, सॉलिड जो शुगर होता है वो डालेंगे. एंड सेकेंड वाले ग्लास में आप पाउडर वाला, ठीक है, वही शुगर को आप अगर आप अच्छे से उसको पीस लेंगे तो वो पाउडर के फॉर्म में हो जाएगा. तो सेकेंड ग्लास में आप क्या करेंगे, पाउडर वाला शुगर डालेंगे. देन आप दोनों को एक साथ क्या करो, डिजॉल्व करो. ठीक है, एक साथ उनको घोलो. ठीक है, स्टिर करो,
देन आप लोग देखेंगे कि जो पाउडर फॉर्म में जो शुगर है वो जल्दी डिजोल्व हो जाएगा किसके, जो सॉलिड शुगर है उसके. सो इससे क्या प्रूव होता है, दिस प्रूव दैट पाउडर फॉर्म ऑफ सॉलिड डिजोल्व इन अ लिक्विड फास्टर देन क्रिस्टल ऑफ सॉलिड. से इससे प्रूव होता है कि जो पाउडर फॉर्म में जो शुगर था वो जल्दी डिजोल्व हो जाता है वाटर में किसके कंपेरिजन में, जो क्रिस्टल शुगर था. ओके, सो सेकेंड मेथड क्या है, जब भी अगर हमको कोई भी सब्सटेंस अगर हमको डिसॉल्व करना है तो बेस्ट मेथड सेकंड ये भी होता है कि हम कोई भी जो सॉलिड है उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें. लाइक अगर हम क्रिस्टल या जो सॉलिड फॉर्म में अगर शुगर या सॉल्ट को हम स्टेर करते हैं वाटर में तो वो जल्दी नहीं होता है, तो अगर आप उसको पाउडर बना लेंगे या पाउडर फॉर्म में कर लेंगे तो क्या होता है, जल्दी ही क्या हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है. एंड नेक्स्ट मेथड है स्टीरिंग. स्टीरिंग मीन्स घुलना, ठीक है. तो टेक इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वाटर इन टू ग्लास टम्बलर एंड आपको दो, जैसे कि आप लोगों को इमेज में दिख रहा है, आपको दो ग्लास लेने हैं एंड दोनों ग्लास में इक्वल क्वांटिटी में वाटर डालना है. देन आपको क्या करना है, जो एड वन स्पून फुल ऑफ पाउडर कॉमन सॉल्ट इन टू बोथ द टम्बलर ए एंड बी. सो फर्स्ट वाले टम्बलर का नाम ए एंड सेकेंड वाले का बी रख देते हैं, ठीक है. अब दोनों ग्लास में क्या करना होगा, हमको एक चम्मच भरकर जो शुगर है, ठीक है, सॉल्ट जो पाउडर में, ठीक है, पाउडर वाला सॉल्ट लेंगे एंड दोनों ग्लास में हम डालेंगे. देन हम डालने के बाद क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमारा टम्बलर है ए इसको हम स्टीर करेंगे, बट सेकेंड वाला जो टम्बलर है हम उसको स्टीर मतलब घोलेंगे नहीं. सो क्या होगा, जब हम दोनों को फर्स्ट वाले को स्टीर करेंगे तो क्या होगा, कॉमन सॉल्ट टम्बलर ए डिजोल्व फास्टर देन द कॉमन सॉल्ट इन टम्बलर बी. सो जो फर्स्ट वाला टम्बलर है हमारा ए वो जल्दी डिजोल्व हो जाएगा टम्बलर बी के कंपेरिजन में. तो इससे क्या प्रूव होता है कि फ्रॉम दिस एक्शन ऐसा करने से क्या होता है कि जब हम स्टीर करते हैं मतलब जब हम खोलते हैं तो ये क्या करता है, जो सॉलिड किसी भी चीज़ को जल्दी क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है वाटर में. सो हम फॉर एग्जांपल अगर आप दो ग्लास ले रहे हैं, दोनों में आप क्या कर रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं या जो भी सॉल्ट डाल रहे हैं. फॉर एग्जांपल इस एक्टिविटी में हमको सॉल्ट बोला है, ठीक है, तो सॉल्ट को हम दोनों ग्लास में डालें बट हम जो फर्स्ट वाले ग्लास है सिर्फ उसी को स्टीर करेंगे, स्टीर करेंगे मीन्स घोलेंगे एंड सेकंड वाले को नहीं करेंगे, तो फर्स्ट वाला क्या होगा, जल्दी घुल जाएगा. सो इससे ये प्रूफ होता है स्टीरिंग मतलब अगर हम जब उसे घोलेंगे किसी भी चम्मच से स्पून वगैरह से, ठीक है, तो वो क्या होगा, जल्दी डिसॉल्व होगा. सो स्टीरिंग करने से भी क्या होता है, कोई भी सॉलिड फॉर्म में या कोई भी जो भी सब्सटेंस होता है वो वाटर में जल्दी डिसॉल्व होता है. देन लास्ट टॉपिक है हमारा सॉल्वेंट अदर देन वाटर्स, ठीक है. जो वाटर के अलावा और अदर सॉल्वेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट्स मीन्स जो चीज़ों को घुला अपने में क्या होता है, डिसॉल्व करती है, ठीक है. तो वाटर के अलावा भी बहुत सारे सॉल्वेंट होते हैं. सो कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे. वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट एज इट कैन डिसॉल्व मैनी सॉलिड, ठीक है. वाटर बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, इसी वजह से इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है, क्योंकि जो वाटर होता है वो बहुत सारी चीज़ों को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है. सो वो बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, बहुत सारे सॉलिड्स को डिसॉल्व करता है. देयर आर सम सॉलिड्स विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है. बट यहाँ कुछ और भी सॉलिड्स होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व मतलब वाटर में घुलते नहीं हैं. दिस सॉलिड्स विल डिसॉल्व इन अदर लिक्विड्स, और ये जो सॉलिड्स होते हैं वो वाटर के अलावा दूसरे लिक्विड में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं. लाइक एक्टिविटी 6 देखो. सबसे पहले क्या करना है, आपको एक ग्लास वेसल में कांच के बर्तन में आपको केरोसिन मतलब जैसे आप जानते हैं ना, टेक केरोसिन इन अ ग्लास वेसल. केरोसिन मतलब होता है मिट्टी का तेल. आपको एक ग्लास के बर्तन पे लेना है. देन आपको क्या करना है, उसमें सॉल्ट डालना है, ठीक है. आप उसमें सॉल्ट डालो एंड स्टिर करो, ठीक है. एंड आप जब पाउडर सॉल्ट अगर आप डालेंगे केरोसिन में तो क्या होगा, बिल्कुल वो डिसॉल्व नहीं होगा. एंड देन यही एक्शन सेम आप शुगर के साथ करो, ठीक है. आप केरोसिन में शुगर डालो, ठीक है. तो जब आप शुगर भी डालोगे तो वो भी क्या होता है, डिसॉल्व केरोसिन में नहीं होता है. देन इससे क्या प्रूफ होता है कि दैट कॉमन सॉल्ट एंड शुगर डिसॉल्व इन वाटर बट डू नॉट डिसॉल्व इन केरोसिन. सो इससे ये प्रूफ होता है कि जो कॉमन सॉल्ट और जो शुगर होता है वो सिर्फ वाटर में डिसॉल्व होता है बट वो केरोसिन में मिट्टी के तेल में डिसॉल्व नहीं होता है. देन लास्ट एक्टिविटी 7 है. इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपको टेक केरोसिन इन 3 ग्लास वेसल, ठीक है. आपको 3 ग्लास के बर्तन में आपको क्या लेना है, केरोसिन लेना है. देन फर्स्ट वाले में आपको क्या डालना है, वैक्स डालना है, मोम डालना है. सेकेंड वाले में ग्रीस डालना है एंड थर्ड वाले में आपको
तार डालना है। अब तीनों को डालेंगे तीनों तीनों फ्लास्क में एंड तीनों को स्टिर करो, तीनों को घोलो, ठीक है। तो ये तीनों सब्सटेंस क्या होंगे, केरोसिन में डिजोल्व हो जाएंगे। सो इससे क्या क्लियर होता है कि जो सॉल्ट और जो शुगर होता है वो वाटर में डिजोल्व होता है बट केरोसिन में डिजोल्व नहीं होता। वहीं जो वैक्स एंड ग्रीस एंड हमने क्या डाला टार, तो ये तीनों चीज़ें क्या होती है केरोसिन में डिजोल्व होती है बट वाटर में डिजोल्व नहीं होती। सो क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व होते हैं तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो अदर लिक्विड्स में डिजोल्व होते हैं, लाइक वैक्स ग्रीस एंड जो टार था वो ओनली क्या होता है केरोसिन में डिजोल्व होता है। थैंक यू।